हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि खेड़ा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर आपके माइंड में भी कोई यूनिवर्सिटी है एंड इफ यू आर आल्सो लुकिंग फॉर एमबीबीएस इन रशिया, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। नॉट नेसेसरली कि आपको रशिया के बारे में ही बताना है। इफ यू हैव एनीथिंग एल्स ऑन योर माइंड, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ब्रिंग दैट पर्टिकुलर वीडियो फॉर यू। आई होप कि आप सबने कमेंट कर दिया होगा। नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो वेरी क्विकली। इस वीडियो में आपको फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में सब कुछ पता चलने वाला है, उसकी लोकेशन, उसकी एक्सेसिबिलिटी, उसका खाना, रहना, फीस स्ट्रक्चर, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। सबसे पहले मैं फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की लोकेशन के बारे में बात करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, हमें तो रशिया में ही जाना है, डजंट मैटर की लोकेशन क्या है। बट लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है एंड इट कैन इम्पैक्ट यू बोथ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव वेज। इस वीडियो से आपको ये चीज़ तो क्लियर हो जाएगी। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी जो है वो रस्की आइलैंड पे लोकेटेड है, व्लादिवोस्तोक सिटी के। व्लादिवोस्तोक एक डेवलप्ड सिटी है, बट अगर मैं बात करूँ रस्की आइलैंड की, ऑब्वियस है आप समझ रहे हैं कि वो एक आइलैंड पे लोकेटेड है। अब आइलैंड पे लोकेट होने के उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ऑब्वियस है यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एज अ नेम से इसकी फेडरल यूनिवर्सिटी है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट से यूनिवर्सिटी को फंडिंग मिल रही है। फेडरल यूनिवर्सिटीज आर स्लाइटली और बेटर देन द स्टेट यूनिवर्सिटीज, क्योंकि जो फेडरल यूनिवर्सिटीज होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है एंड जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती है वो स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। अगर मैं बात करूँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, इट हैज गॉट अ ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कंपेयर कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही सुंदर है, बहुत ही वेल मेंटेन्ड है और बहुत ही बड़ा है। बहुत सारे अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, एस बिल्डिंग, सी बिल्डिंग। एस बिल्डिंग स्पोर्ट्स की है, उसकी फर्दर एक्सटेंशंस है S1, S2। सी बिल्डिंग क्लासरूम की है, जो मेन एडमिन ब्लॉक है वो अलग है। तो बहुत सारी अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बड़ा है। बट एट द सेम टाइम इट इज़ लोकेटेड ऑन द आइलैंड। मैं बार बार आपको इस चीज़ पे क्यों लेकर के आ रही हूँ, इसमें ऐसा क्या है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़, ये जो आइलैंड है, फॉर फ्यू मंथ्स, आई एम नॉट सेइंग कि पूरा साल, बट फॉर फ्यू मंथ्स यहाँ का जो टेम्परेचर है वो -30 डिग्री तक भी चला जाता है। बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो ये एक चीज़ होती है। यू नो, ऑल दो आपके जो हॉस्टल्स हैं वो सेंट्रली हीटेड होते हैं, बट स्टिल आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बाहर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सेकेंड चीज़ जो इसकी लोकेशन की वजह से आपको इम्पैक्ट करने वाली है, वो है आपके पर्सनल एक्सपेंस। देखो, जब भी कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी जगह जब किसी आइलैंड पे होती है ना, वहाँ पे जो लोकल थोड़ी बहुत ही चीज़ें जो हमने बाजार से खरीदनी है, चाहे वो ग्रोसरीज हो, छोटी बड़ी हर चीज़ के प्राइस जो हैं वो थोड़े से बढ़ जाते हैं, जस्ट बिकॉज उस आइलैंड पे चीज़ वहाँ पे तो होगी नहीं, बाहर से लेकर के आनी पड़ेगी, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग जो है वहाँ की बढ़ जाती है। और वेदर भी वहाँ, मैंने आपको बताया है कि कुछ महीने के लिए थोड़ा सा अनफेवरेबल हो जाता है। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको इम्पैक्ट करती हैं। सो जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं, उसकी लोकेशन देखना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि उसका फीस स्ट्रक्चर या बाकी चीज़ें देखना। सो दिस इज़ व्हाट इज़ अबाउट द लोकेशन ऑफ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी को, एक्सपीरियंस काफ़ी है, 1899 की यूनिवर्सिटी है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज आई टोल्ड यू अर्लियर बहुत ही ह्यूज है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इंग्लिश मीडियम में आपका पूरा का पूरा कोर्स हो रहा है, एज पर द IMC गाइडलाइंस आपका पूरा कोर्स चल रहा है। यहाँ पे आपका जो कोर्स रहेगा वो 6 ईयर्स का रहेगा और कंप्लीट इंग्लिश मीडियम रहेगा। फर्स्ट ईयर में आपको रशियन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। सो दिस इज व्हाट इज द ओवरव्यू ऑफ द फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। नाउ इफ आई गेट टू द फी स्ट्रक्चर ऑफ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की जो ट्यूशन फीस है, इट इज 3,90,000 रूबल्स। रूबल्स में आपको इसलिए बताया जा रहा है कि रशिया में जो भी आपकी फीस पेमेंट होगी वो रूबल्स में ही होगी। 3,90,000 रूबल्स हैं आपकी ट्यूशन फीस, बट अपार्ट फ्रॉम द ट्यूशन फीस यू हैव अदर एक्सपेंसेस एज वेल। अदर एक्सपेंसेस में आपका हॉस्टल, आपका मेडिकल इंश्योरेंस, आपका हेल्थ चेकअप, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर मैं पूरे 6 साल का बजट देखती हूँ, इट वुड बी नियरली अबाउट 28.20 लाख, मतलब कि 28,20,000 रूबल्स। एंड दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इन रूबल्स। ये तो हो गया आपका फीस स्ट्रक्चर, मतलब कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, यू वुड नीड रफली 34-35 लाख, उससे कम में आपकी बात नहीं बनने वाली है। अपार्ट फ्रॉम द फीस स्ट्रक्चर, इफ आई मूव ऑन टू द फूड, अब फूड एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का।
जब भी हम किसी भी यूनिवर्सिटी को देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे इंडियन मैस अवेलेबल है नहीं है, ग्रॉसरीज अवेलेबल है, किचन अवेलेबल है या नहीं, ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी भी है, बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट अ डे और अ टू, इट इज़ अबाउट द 6 ईयर्स. तो पूरे 6 साल में अच्छा खाना मिलना बहुत ज़रूरी है, सो दैट यू स्टे फोकस्ड. अगर मैं बात करूँ खाने की, तो वहाँ पे इंडियन मैस अवेलेबल नहीं है. प्लीज़ बी वेरी क्लियर ऑन दिस. कोई भी आपको कहता है फार ईस्टर्न फेडरल में इंडियन मैस है, इंडियन मैस वहाँ पे नहीं है. वहाँ पे आपको सेल्फ कुकिंग वाला ऑप्शन ही मिलेगा. शेयर्ड किचन्स वहाँ पे अवेलेबल है, बहुत ही नीट एंड क्लीन वेल मेंटेन शेयर्ड किचन्स हैं, आप उन किचन्स को यूज़ कर सकते हैं. अगर मैं बात करूँ ग्रॉसरीज की, तो पास में ही सुपरमार्केट्स हैं, आपको सामान मिल जाएगा आसानी से, ग्रॉसरीज का सामान आपको मिल जाएगा, एंड यू कुड डू द सेल्फ कुकिंग पार्ट, तो वो आपको करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन. जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटीज में मैस होती है, बट फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में इंडियन मैस अवेलेबल नहीं है. सो बी रेडी टू कुक योर फूड योर सेल्फ इफ यू आर चूजिंग फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी. तो ये तो हो गई खाने की बात. अब हम आते हैं रहने की बात में कि हॉस्टल कैसे हैं. द हॉस्टल्स आर वेरी वेरी गुड, इसमें कोई भी डाउट नहीं है. हॉस्टल बहुत अच्छे हैं, बट शेयरिंग बेसिस पे अवेलेबल है, 2-3-4 शेयरिंग अवेलेबल है. डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पे कि क्या अवेलेबल है, आपको क्या मिलता है. इट इज़ कम्प्लीटली द डिसीजन ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड द हॉस्टल डिपार्टमेंट, जो भी आपको हॉस्टल एलोकेट होता है. बट डिपेंडिंग अपॉन आर रिलेशनशिप विद द यूनिवर्सिटी, वी कुड हेल्प यू आउट विद द चेंजिंग ऑफ द रूम्स इन केस रिक्वायर्ड. बाकी जो शेयर्ड रूम्स रहेंगे आपके, शेयरिंग में आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा. देर इज़ नो सिंगल रूम. रीडिंग रूम्स अवेलेबल हैं हॉस्टल के अंदर, और हॉस्टल में जो आपकी एंट्री है वो आपकी कार्ड से होती है, सो यू विल बी सेफ इनसाइड द हॉस्टल, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी. अब एक चीज़ है, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ी है, अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, तो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाने के लिए टाइम भी लगता है, और यू नो इट इज़ नॉट ईजी टू वॉक ओवर. तो इसीलिए यूनिवर्सिटी कैंपस एरिया के अंदर ही हॉस्टल से यूनिवर्सिटी या दूसरी बिल्डिंग में जाने के लिए देर इज़ अ फ्री बस सर्विस अवेलेबल दैट रन्स फ्रॉम मॉर्निंग 8 to evening 8. सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक एक फ्री बस सर्विस अवेलेबल है, जिसमें बैठ करके आप यूनिवर्सिटी के एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में या हॉस्टल से यूनिवर्सिटी तक आराम से जा सकते हैं विदाउट एनी हैसल. सो यूनिवर्सिटी इज प्रोवाइडिंग यू विद द गुड फैसिलिटीज. अब अगर मैं बात करती हूँ यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स फैसिलिटी के बारे में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इफ आई टॉक अबाउट फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने स्पेशली अपनी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग बना रखी है एज अ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. यू हैव द स्विमिंग पूल, जूडो कराटे के लिए भी आपके पास रिंग है वहाँ पे, आपके पास वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, बैडमिंटन कोर्ट है, ये सब कुछ अवेलेबल है. इनफैक्ट यहाँ पे बोर्ड गेम्स भी अवेलेबल है, लाइक द चेस, द कैरम बोर्ड, द पूल, एवरीथिंग इज अवेलेबल इनसाइड द कैंपस. और उन्होंने पर्टिकुलर एक बिल्डिंग बना रखी है, दे कॉल इट एज एस बिल्डिंग, मतलब कि स्पोर्ट्स बिल्डिंग, और उसके फर्दर एक्सटेंशन भी उन्होंने बनाए हैं S1 S2. लाइक S1 है वहाँ पे स्विमिंग आपको सिखाई जाती है कि ऐसे स्विमिंग करनी है, ऑल दो एस ब्लॉक में तो प्रॉपर 7 लेन स्विमिंग पूल अवेलेबल है, बट S1 में आपको एक छोटा कम डेप्थ वाला स्विमिंग पूल है फॉर द प्रैक्टिस एंड यू नो टू एजुकेट कि कैसे स्विमिंग करनी है. तो ये फैसिलिटीज़ ईजिली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होती है. दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट अबाउट फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी. इफ़ यू आर द वन यू नो हु लुक फॉर आउटडोर और फिजिकल एक्टिविटीज़, दिस यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू फुलफिल दैट थिंग फॉर यू. तो ये तो हो गई वहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात. अगर मैं बात करती हूँ वहाँ पे एंट्रेंस की या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की या फिर एंट्री रिक्वायरमेंट की, क्या रिक्वायरमेंट है. रिक्वायरमेंट्स तो बहुत सिंपल हैं, सिर्फ आपको नीट क्वालिफाई करना है एंड यू नीड फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एग्रीगेट एज 50%. बट साथ में आपको फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का एक रिटन एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो क्लियर करना पड़ेगा. ऑल दो बहुत मुश्किल नहीं होता है, बट येस आपको क्लियर तो करना ही पड़ेगा एंड वी विल हेल्प यू प्रिपेयर फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम. तो आपको सिर्फ डरने की जरूरत नहीं है, वी विल बी देयर टू होल्ड योर हैंड्स ऑलवेज. अगर आप भी चाहते हैं टू एनरोल योर सेल्फ इन फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, आपको बहुत जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा. रीज़न बीइंग, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो बहुत जल्दी एक तो फिल हो जाती है और सबसे जल्दी क्लोज हो जाती है. दे डू नॉट वेट फॉर द सीट्स टू बी फिल इन. अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सीट तो मिल ही जाएगी, सीट मिल जाएगी, लेकिन अगर उसकी डेडलाइन चली जाएगी ना तो आपको सीट नहीं मिलेगी. फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के लिए बुकिंग्स ऑलरेडी ओपन हो चुकी हैं,
So if you are interested in Far Eastern Federal University, make sure to give us a call as soon as possible and we will be there to assist you. And it is not just about Far Eastern Federal University. In fact, kisi bhi university mein agar aapko jana hai, the bookings are already open because it is a high time to book your seat and start your process. Kyunki agar aap isse late karenge, ho sakta hai aapko apne choice ki university ya country na mile. So make sure to get your seat booked as early as possible. और फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी आई वुड गिव इट अ थम्स अप कि अगर आप जाना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन एंड अनडाउटेडली आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इफ़ यू आर रेडी टू एडजस्ट टू द स्मॉल थिंग्स जो मैंने आपको बताए क्योंकि वो एक है उस यूनिवर्सिटी के साथ कि वो उस जगह पर लोकेटेड है और वो जो आइलैंड भी है ना वो इट इज़ ऑन द चाइना बॉर्डर्स ऑल्दो उसकी वजह से कभी कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं है बट इफ़ यू आर रेडी टू गो फॉर इट वी आर देयर टू हेल्प यू आउट. I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. Till the next video, I would say goodbye.